आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है यशदेव मलिक। 2021 में आपने अपने काफी सारे ट्रेवल प्लान्स बनाए होंगे, जो यूरोप जाना चाह रहे होंगे शेंगेन एरिया में, उन्होंने यूके कनाडा का प्लान किया होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए सोचा होगा, अमेरिका होगा। तो आपने हमेशा चीज नोटिस करी होगी कि ये कंट्रीज जब वीजा देती हैं तो थोड़ा बहुत ये अपना जो है फोकस ट्रैवल हिस्ट्री पे भी रखती हैं। वो हमने अलग अलग वीडियोस के थ्रू आप तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई है कि ट्रैवल हिस्ट्री क्यों देखी जाती है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड एक ट्रैवलर के लिए क्यों जरूरी है। अब जाना तो है, ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक है चाहिए, लेकिन जाए तो कहाँ जाएं? 2021 में कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पर हम इजिली अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं और जिसकी रिलेवेंस भी हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी कंट्रीज में जाएं जहां पे आपको ट्रैवलिंग में मजा भी आए और ट्रैवल हिस्ट्री वाला पॉइंट भी आपका जो है वो नोटिस हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारे इंडिया के सबसे नजदीक हैं, जैसे कि दुबई आप जा सकते हैं, मालदीव्स आप जा सकते हैं, थाईलैंड में अगर आप जाते हैं तो 15 दिन का क्वारंटीन आपको फेस करना होगा, और इसके अलावा आप आर्मेनिया जा सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो उज़्बेकिस्तान जा सकते हैं, थोड़ा सा अगर और हम अपने रेडियस को इंक्रीज करें तो आप इजिप्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, ये 5-6 देश ओपन है, लेकिन आप जाएं कैसे? देखिए, आप दुबई और आर्मेनिया को एक सिंगल ट्रिप में कर सकते हैं, काफी सारे लोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं। दुबई और आर्मेनिया का एक सिंगल ट्रिप आपका लगभग ऑल इंक्लूसिव बन जाना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग 60,000 to 70,000 में हो जाना चाहिए, जिसमें 3 दिन दुबई और 3 दिन आर्मेनिया आपके कवर हो सकें। इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो दुबई के साथ आप इजिप्ट भी क्लब कर सकते हैं। तो दुबई और इजिप्ट एक सिंगल ट्रिप में आप कर सकते हैं, और इन दोनों देशों में 3-3 nights का स्टे करके आप 7वें दिन वापस आ सकते हैं। तो एक हफ्ते का ट्रिप जो है आपका लगभग 70,000 to 80,000 में बन जाना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा और रेडियस को एक्सपेंड करें तो आप आर्मेनिया, दुबई और इजिप्ट को भी एक ट्रिप में कर सकते हैं। इसमें आपका जो कॉस्ट है 1,00,000 to 1,25,000 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली आएगा, जिसमें आप 3-3 दिन इन तीनों देशों में स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप आर्मेनिया और इजिप्ट को भी एक साथ कर सकते हैं। आप अपने ट्रिप में उज़्बेकिस्तान को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान को भी आप सिंगल ट्रिप में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास नेसेसरी वीजा हो। सिमिलरली इजिप्ट के लिए भी आपको वीजा चाहिए, आर्मेनिया के लिए मैं वैसे तो वहां पे वीजा ऑन अराइवल भी मिलता है, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूंगा कि आप ई वीजा लेकर जाएं, क्योंकि वीजा ऑन अराइवल की सर्टेन कंडीशंस आपको देखनी पड़ सकती हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास वैलिड यूके कनाडा यूएस कोई वीजा है कि नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ई वीजा लेकर ही जाएं। और उज़्बेकिस्तान को आप कवर कर सकते हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ रशिया भी हो सकता है। अब रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, न्यूज रिलीज की थी दिसंबर में रशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कि जनवरी 2021 से वो अपनी वीजा विंडोज 52 कंट्रीज के लिए खोल रहे हैं और ई वीजा की एप्लीकेशन इन 52 कंट्रीज से लेना शुरू कर देंगे, जिसमें इंडिया का भी नाम है। और किसी भी समय रशिया की भी अनाउंसमेंट आ सकती है कि उनके वीजा रिज्यूम हो सकते हैं। तो जैसे ही ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। पूरी उम्मीद है, वी आर वेरी मच श्योर कि जनवरी में हो जाना चाहिए, तो आप रशिया भी जा पाएंगे और रशिया के साथ आप उज़्बेकिस्तान को क्लब कर पाएंगे, रशिया के साथ आप आर्मेनिया भी क्लब कर सकते हैं, दुबई भी क्लब कर सकते हैं। तो ट्रैवल पैक आप जो भी आप करें, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फोकस करते हैं, तो हमेशा ये भी ध्यान रखें कि आपने सिर्फ ट्रैवल वहां पे टच एंड गो के लिए नहीं किया कि एक दिन रुक के हम वापस आ गए, हम वहां पे थोड़ा बहुत घूमिए, आपको घूमना भी चाहिए, इतने पैसे लगाकर गए हैं तो थोड़ा बहुत वहां पे देखना भी चाहिए। आप रशिया जाते हैं तो रशिया में तो वैसे ही बहुत सारी चीजें देखने को हैं, उज़्बेकिस्तान का कितना पॉपुलर हुआ है इंडिया के अंदर ये आप सभी जानते हैं। सिमिलरली आर्मेनिया की अपनी फैन फॉलोइंग है, कितने इंडियंस वहां पर हर साल जाते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को अपना एंजॉयमेंट के साथ साथ सेंसिबल भी बना सकते हैं, और एडवांस बुकिंग कराने से आप उसे स्मार्टली अपने बजट में भी ला सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी कनाडा हो, यूके हो, शेंगेन हो, इनमें हेल्प होएगी। इस केसेस में हमेशा जो काउंसलर है वो देखना चाहेगा कि ये जो ट्रैवलर है ये पहले घूमा कितनी जगह है, इसका इमिग्रेशन रिकॉर्ड क्या कहता है, ये टाइम से इन देशों में गया है, टाइम से वापस आया है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड क्लीन है, डिपोर्टेशन नहीं है, तो ओवरस्टे नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं और आपकी प्रोफाइल को हेल्प करती हैं। इन सभी देशों में ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा बहुत सारे और भी देश हैं जहां पर आप जा पाएंगे, जैसे कि वियतनाम है, कंबोडिया है, उनको क्लब किया जा सकता है, ताइवान को फिलीपींस के साथ क्लब किया जा सकता है। तो जैसे ही उनकी वीजा विंडोज ओपन होंगी ये इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक लेकर आएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये ट्रैवल हिस्ट्री के जो फिलहाल अभी ऑप्शंस हैं जनवरी 2021 में वो क्लियर हो गए होंगे आपको, और आप अपना जो ट्रैवल प्लान है अकॉर्डिंगली आने वाले समय में बना पाएंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपके कुछ क्वेश्चन कंसर्न हो तो उनको जरूर मेंशन करें। बाय बाय।